ఊర్జమిషమిషమోర్జమాదతే శతాయుర్భవతి శతాయుర్పురుషః పురుషశ్శతాయుర్భవతి శతాయుర్పురుషః
वरुन्धते वरुन्धते वरुन्धते
अवरुन्धते रुन्धते वावरुन्धतेऽथो अथोरुन्धते वावरुन्धतेऽथो रुन्धतेऽथो अथोरुन्धते रुन्धतेऽथो इमामिमामथोरुन्धते रुन्धतेऽथो इमा अथो इमामिमामथो अथो इमामेवैवेमामथो अथो इमामेव अथो इत्यथो इमामेवैवेमामिमामेव जयन्ति जयन्त्येवेमामिमामेव जयन्ति जयन्ति जयन्त्येवैव जयन्ति सर्वा सर्वायन्त्येवैव जयन्ति सर्वाः जयन्ति सर्वा सर्वा जयन्ति जयन्ति सर्वा वाचो वाचः सर्वा जयन्ति जयन्ति सर्वा वाचः सर्वा वाचो वाचः सर्वा सर्वा वाचो वदन्ति वदन्ति वाचः सर्वा सर्वा वाचो वदन्ति वाचो वदन्ति वदन्ति वाचो वदन्ति सर्वासाकुं सर्वासां वदन्ति वाचो वदन्ति सर्वासां वदन्ति सर्वासाकुं सर्वासां वदन्ति सर्वासां वाचां वाचाकुं सर्वासां वदन्ति सर्वासां वाचां सर्वासां वाचां वाचाकुं सर्वासाकुं सर्वासां वाचामवरुध्यावरुध्ये वाचाकुं सर्वासाकुं सर्वासां वाचामवरुध्ये वाचामवरुध्या अवरुध्ये वाचां वाचामवरुध्या आर्द्र आर्द्रेऽवरुध्ये वाचां वाचामवरुध्या आर्द्रे अवरुध्या आर्द्र आर्द्रेऽवरुध्या अवरुध्या आर्द्रे चर्मद्भ्यश्चर्मन्नार्द्रेऽवरुध्या अवरुध्या आर्द्रे चर्मन् अवरुध्या युद्धवाद्भिः आर्द्रे चर्मज्ञश्चर्मन्नार्द्र आर्द्रे चर्मं व्यायच्छेते व्यायच्छेते चर्मन्नार्द्र आर्द्रे चर्मं व्यायच्छेते चर्मं व्यायच्छेते व्यायच्छेते चर्मज्ञश्चर्मं व्यायच्छेते इन्द्रियस्य व्यायच्छेते चर्मज्ञश्चर्मं व्यायच्छेते इन्द्रियस्य व्यायच्छेते इन्द्रियस्य व्यायच्छेते व्यायच्छेते इन्द्रियस्यावरुध्या अवरुध्या इन्द्रियस्य व्यायच्छेते व्यायच्छेते इन्द्रियस्यावरुध्यै व्यायच्छेते इदि आयच्छेते इन्द्रियस्यावरुध्या अवरुध्या इन्द्रियस्येन्द्रियस्यावरुध्या आवरुध्या इन्द्रियस्येन्द्रियस्यावरुध्या अवरुध्या 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 आन्यावरुध्या अवरुध्या आन्यः अवरुध्या इत्यवरुध्ये आन्न आन्न क्रोशति क्रोशत्यन्न आन्न क्रोशति अन्यक्रोशति क्रोशत्यन्योऽन्यक्रोशति प्रक्रोशत्यन्योऽन्यक्रोशति क्रोशति प्रक्रोशति क्रोशति प्राण्योऽन्यप्रक्रोशति क्रोशति प्राण्यः प्राण्योऽन्यप्रप्राण्यः शगुंसति शगुंसत्यन्यप्रप्राण्यः शगुंसति अन्नशगुंसति शगुंसत्यन्योऽन्यशगुंसति पुराणि पदासत्यन्योऽन्नशगुंसति शगुंसति यो यः शगुंसति शगुंसति य आक्रोशत्याक्रोशति यः शगुंसति शगुंसति य आक्रोशति य आक्रोशत्याक्रोशति यो य आक्रोशति पुनादि पुनात्याक्रोशति यो य आक्रोशति पुनादि आक्रोशति पुनादि पुनात्याक्रोशत्याक्रोशति पुनात्येवैव पुनात्याक्रोशत्याक्रोशति पुनात्येव आक्रोशति त्वाक्रोशति पुनात्येवैव पुनादि पुनात्येवैनानेनानेव पुनादि पुनात्येवैनाने देवीनानैनाने प्रशगंसदि प्रशगंसदि यस्तदय प्रशगंसदि यः प्रशगंसदि प्रशगंसदि यो यः प्रशगंसदि भूतेषु भूतेषु प्रशगंसदि यो यः प्रशगंसदि भूतेषु प्रशगंसदि भूतेषु भूतेषु प्रशगंसदि प्रशगंसदि भूतेष्वेव भूतेषु प्रशगंसदि प्रशगंसदि भूतेष्वेव
प्रशकोसति विप्रा सकोसति भूतेष्वेवेव भूतेषु भूतेष्वेवान्नाद्यमन्नाद्यमेव भूतेषु भूतेष्वेवान्नाद्यम् एवान्नाद्यमन्नाद्यमेवैवान्नाद्यम् ददाति तथात्यन्नाद्यमेवैवान्नाद्यम् ददाति अन्नाद्यम् दधाति तथात्यन्नाद्यमन्नाद्यम् दधाति ऋषि कृतम् ऋषि कृतम् दधात्यन्नाद्यमन्नाद्यम् दधाति ऋषि कृतम् च अन्नाद्यमित्यन्न अद्यम् दधातृषिकृतम् ऋषिकृतम् दधाति दधातृषिकृतम् चतर्षिकृतम् दधाति दधातृषिकृतम् च ऋषिकृतम् चतर्षिकृतम् ऋषिकृतम् च वै वै दर्षिकृतम् ऋषिकृतम् च वै ऋषिकृतमित्रिषीकृतम् च वै वैत च वा एतजेते वैत च वा जेते वा एतजेते वीदा एते देवकृतम् देवकृतमेते वीदा एते देवकृतम् एते देवकृतम् देवकृतमेतजेते देवकृतम् च देवकृतमेतजेते देवकृतम् च देवकृतम् च देवकृतम् देवकृतम् च पूर्वैः पूर्वैश्च देवकृतम् देवकृतम् च पूर्वैः देवकृतमिति देवकृतम् चतुर्भैः पूर्वैश्च तपोर्भैर्मासैर्मासैः पूर्वैश्च तपोर्भैर्मासैः पूर्वैर्मासैर्मासैः पूर्वैः पूर्वैर्मासैरवाभमासैः पूर्वैः पूर्वैर्मासैरव मासीरवाभमासीर्मासीरवरुन्धते रुन्धते भमासीर्मासीरवरुन्धते अवरुन्धते रुन्धते वावरुन्धते यद्यद्रुन्धते वावरुन्धते यत् रुन्धते यद्यद्रुन्धते रुन्धते यद्भूतेच्छदाम् भूतेच्छदाम् यद्रुन्धते रुन्धते यद्भूतेच्छदाम् यद्भूतेच्छदाम् भूतेच्छदा यद्यद्भूतेच्छदाम् सामानि सामानि भूतेच्छदा यद्यद्भूतेच्छदाम् सामानि भूतेच्छदागम् सामानि सामानि भूतेच्छदाम् भूतेच्छदागम् सामानि भवन्ति भवन्ति सामानि भूतेच्छदाम् भूतेच्छदागम् सामानि भवन्ति भूतेच्छदामिति भूतेच्छदाम् सामानि भवन्ति भवन्ति सामानि सामानि भवन्ति भयस्य भयस्य भवन्ति सामानि सामानि भवन्ति भयस्य भवन्ति भयस्य भयस्य भवन्ति भवन्ति भयस्यावरुध्या अवरुध्या उभयस्य भवन्ति भवन्ति भयस्यावरुद्धे उभयस्यावरुद्धा अवरुद्धा उभयस्य उभयस्यावरुद्धीय क्रियन्त्यवरुद्धा उभयस्य उभयस्यावरुद्धीयन्ति अवरुद्धेयन्ति यन्त्यवरुद्ध्या अवरुद्धेयन्ति वै वै यन्त्यवरुद्ध्या अवरुद्धेयन्ति वै अवरुद्ध्यावरुद्धि यन्ति वै वै यन्ति यन्ति वा एतजेते वै यन्ति यन्ति वा एते वा एतजेते वै वा एते मिथुनान् मिथुनाधेते वै वा एते मिथुनाय एते मिथुनान् मिथुनाधेत घेते मिथुनाद्ये ये मिथुनाधेत घेते मिथुनाद्ये मिथुनाद्ये ये मिथुनान् मिथुनाद्ये संवत्सरम् संवत्सरये मिथुनान् मिथुनाद्ये संवत्सरम् ये संवत्सरम् संवत्सरं ये ये संवत्सरमुभयन्त्युभयन्ति संवत्सरं ये ये संवत्सरमुभयन्ति संवत्सरमुभयन्त्युभयन्ति संवत्सरं संवत्सरमुभयन्त्यन्तर्भेद्यन्तर्भेद्युभयन्ति संवत्सरं संवत्सरमुभयन्त्यन्तर्भेदि संवत्सरमिति संवत्सरम् भयन्त्यन्तर्भेद्यन्तर्भेद्युभयन्त्युभयन्त्यन्तर्भेदि मिथुनौ मिथुनान्तर्भेद्युभयन्त्युभयन्त्यन्तर् भेदि मिथुनौ उभयन्ति अन्तर्भेदि मिथुनौ मिथुनावन्तर्भेद्यन्तर्भेदि मिथुनौ समन्तम् मिथुनावन्तर्भेद्यन्तर्भेदि मिथुनौ सम् अन्तर्भेदीत्यन्तः वेदि मिथुनौ समन्तम् मिथुनौ मिथुनौ सम्भवतो भवतः सम् मिथुनौ मिथुनौ सम्भवतः सम्भवतो भवतः सगो सम्भवतस्तेन तेन भवतः सगो सम्भवतस्तेन भवतस्तेन तेन भवतो भवतस्तेनैवेन भवतो भवतस्तेनैव तेनैवैव तेन तेनैव मिथुनान् मिथुना देव तेन तेनैव मिथुनात्
Eva Mithunan, Mithuna Devi, Mithunanna, Mithuna Devi, Mithunanna. Mithunanna, 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 Yanti, Yanti, Mithunanna, Mithunanna, Yanti. Nayanti, Yanti, Nayanti. Yanti, Yanti. Charmava, Charma, Charma, Bhindanti, Bhindanti, Charma, Charma, Bhindanti. Ava Bhindanti, Bhindanti, Ava Bhindanti, Bhavmanam, Bhavmanam, Bhindanti, Ava Bhindanti, Bhavmanam. Bhindanti, Bhavmanam, Bhavmanam, Bhindanti, Bhindanti, Bhavmanam, Eva, Bhavmanam, Bhindanti, Bhindanti, Bhavmanam, Eva. Bhavmanam, Eva, Bhavmanam, Bhavmanam, Eva, Isha, Mesha, Eva, Bhavmanam, Bhavmanam, Eva, Isha. Devisha mesha mevi visha mava visha mevi visha mava Yesha mava visha mesha mava bhindanti bhindanti visha mesha mava bhindanti Ava bhindanti bhindanti vava bhindanti mava bhindanti vava bhindanti mava Bhindanti mava bhindanti bhindanti mava pama bhindanti bhindanti mava Mava pama ma parachi ya chira pama ma parachi Aparatsi, Ratsi, Rapaparatsi, Mabaratsi, Rapaparatsi, Ratsi, Mabaratsi, Ratsi, 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 Matya Dimama Divyatsi, Vyatsi, Dimama Divyatsi. Adivyatsi, Vyatsi, Ratsi, Divyatsi, Ratsi, Divyatsi, Ratsi, Divyatsi, Ratsi, Divyatsi, Ratsi, Divyatsi, Ratsi, Divyatsi, Ityahare dityah sampradi sampratyahe dityah sampradi Asampradi sampratyah sampratyevaiva sampratyah sampratyeva Sampratyevaiva sampradi sampratyevisha meshameva sampradi sampratyevisha Sampradi sampradi Evisha meshamevi visham Papmanam papmanam meshamevi visham Papmanam Yesham Papmanam Papmanam Esham Esham Papmanam Avava Papmanam Esham Esham Papmanam Avava Papmanam Avava Papmanam Papmanam Avava Bhindanti Bhindanti Ava Papmanam Papmanam Ava Bhindanti Ava Bhindanti Bhindanti Ava Bhindanti Da Kumbhanu Da Kumbhan Bhindanti Ava Bhindanti Da Kumbhan Bhindanti Da Kumbhanu Da Kumbhan Bhindanti Bhindanti Da Kumbhan Adhidhaya Adhidhaya Da Kumbhan Bhindanti Bhindanti Da Kumbhan Adhidhaya Uda Kumbhana Dhinidhaya Dhinidhaya Da Kumbhana Da Kumbhana Dhinidhaya Dasyo Dasyo Dhinidhaya Da Kumbhana Da Kumbhana Dhinidhaya Dasyo Uda Kumbhani Tuda Kumbhani Adhinidhaya Dasyo Dasyo Dhinidhaya Dhinidhaya Dasyo Mar Jaliyam Dasyo Dhinidhaya Dhinidhaya Dasyo Mar Jaliyam Adhinidhaya Tehi Nidhaya Dasya Marjaliyam Marjaliyam Dasya Dasya Marjaliyam Pari Pari Marjaliyam Dasya Dasya Marjaliyam Pari Marjaliyam Pari Pari Marjaliyam Marjaliyam Pari Nirtyandi Nirtyandi Pari Marjaliyam Marjaliyam Pari Nirtyandi Pari Nirtyandi Nirtyandi Pari Pari Nirtyandi Pada Pada Nirtyandi Pari Pari Nirtyandi Pada Nrityanti Parapada Nrityanti Nrityanti Padami Ghadi Nighadi Padami Nrityanti Nrityanti Padami Ghadi Padami Ghadi Nighadi Padami Ghadi Ridammadhum Idammadhum Nighadi Padami Ghadi Ridammadhum Nighadi Ridammadhum Idammadhum Nighadi Nighadi Ridammadhum Gayam Jodayam Chayidammadhum Nighadi Nighadi Ridammadhum Gayam Chaha Nighadi Ridhidhi Idam madhum dayan madhu vai madhu madhu vai devanam devanam
वै मधु मधु वै देवानां वै देवानां देवानां वै वै देवानां परमं परमं देवानां वै वै देवानां परमं देवानां परमं परमं देवानां देवानां परममन्नाज्यं मन्नाज्यं परमं देवानां देवानां परममन्नाज्यं परममन्नाज्यं परमं परममन्नाज्यं परमं परममन्नाज्यं परमं परममन्नाज्यं परमं अन्नाज्यं परमं परममन्नाज्यं अन्नाज्यं परममेवैव परममन्नाज्यं अन्नाज्यं परममेव अन्नाज्यमित्यन्न अज्ञं परममेवैव परमं परममेव अन्नाज्यं अन्नाज्यमेव परमं परममेव अन्नाज्यं ருந்ததே பத பதோ ருந்ததே வருந்ததே பத ருந்ததே பத பதோ ருந்ததே ருந்ததே பதோமினி பதோ ருந்ததே ருந்ததே பதோமி பதோனி பல பதோ நிகந்திஷு ஷு தேஷு தசதி சம்ப்ளோஷ்யதே மேகாயுஷ்யதே ஸ்வாஹா ஸ்வாஹா மேகாயுஷ்யதே ஸ்வாஹா ஸ்வாஹா மேகாயுஷ்யதே 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 ஸ்வாஹா மேகாயுஷ
स्वाहा मेघा युते स्वाहा मेघायते स्वाहा मेघायते स्वाहा मेघिताय मेघिताय स्वाहा मेघिताय स्वाहा स्वाहा मेघिताय स्वाहा स्वाहा मेघिताय स्वाहा मेघिताय स्वाहा स्वाहा मेघिताय मेघिताय स्वाहा मेघाय मेघाय स्वाहा मेघिताय मेघिताय स्वाहा मेघाय स्वाहा मेघाय मेघाय स्वाहा 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 मेघाय मेघाय स्वाहा निहाराय निहाराय स्वाहा मेघाय मेघाय स्वाहा निहाराय स्वाहा निहाराय निहाराय स्वाहा स्वाहा निहाराय स्वाहा स्वाहा निहाराय स्वाहा निहाराय स्वाहा स्वाहा निहाराय निहाराय स्वाहा निहाताय निहाताय स्वाहा निहाराय निहाराय स्वाहा निहाताय स्वाहा निहाताय निहाताय स्वाहा स्वाहा निहाताय स्वाहा स्वाहा निहाताय स्वाहा स्वाहा निहाताय स्वाहा निहाताय स्वाहा स्वाहा निहाताय निहाताय स्वाहा प्रातचाय प्रातचाय स्वाहा निहाताय निहाताय स्वाहा प्रातचाय निहाताय इति निहाताय स्वाहा प्रातचाय प्रातचाय स्वाहा स्वाहा प्रातचाय स्वाहा स्वाहा प्रातचाय स्वाहा स्वाहा प्रातचाय स्वाहा प्रातचाय स्वाहा स्वाहा प्रातचाय प्रातचाय स्वाहा प्रचलागायै प्रचलागायै स्वाहा प्रातचाय प्रातचाय स्वाहा प्रचलागायै स्वाहा प्रचलागायै प्रचलागायै स्वाहा स्वाहा प्रचलागायै स्वाहा स्वाहा प्रचलागायै स्वाहा स्वाहा प्रचलागायै स्वाहा प्रचलागायै स्वाहा स्वाहा प्रचलागायै प्रचलागायै स्वाहा विद्योदिश्यते स्वाहा प्रचलागायै प्रचलागायै स्वाहा विद्योदिश्यते प्रचलागायै प्रचलागायै स्वाहा विद्योदिश्यते विद्योदिश्यते स्वाहा स्वाहा विद्योदिश्यते स्वाहा स्वाहा विद्योदिश्यते स्वाहा स्वाहा विद्योदिश्यते स्वाहा विद्योदिश्यते स्वाहा स्वाहा विद्योदिश्यते विद्योदिश्यते स्वाहा विद्योतमानाय विद्योतमानाय स्वाहा विद्योदिश्यते विद्योदिश्यते स्वाहा विद्योतमानाय विद्योतमानाय विद्योतमानायेति विद्योतमानाय स्वाहा संविद्यतमानाय संविद्यतमानाय स्वाहा स्वाहा संविद्यतमानाय स्वाहा स्वाहा संविद्यतमानाय स्वाहा स्वाहा संविद्यतमानाय स्वाहा संविद्यतमानाय स्वाहा स्वाहा संविद्यतमानाय संविद्यतमानाय स्वाहा तमैष्यते तमैष्यते स्वाहा संविद्यतमानाय संविद्यतमानाय स्वाहा तमैष्यते संविद्यतमानायेति संविद्यतमानाय स्वाहा तमैष्यते तमैष्यते स्वाहा स्वाहा तमैष्यते स्वाहा स्वाहा तमैष्यते स्वाहा स्वाहा तमैष्यते स्वाहा तमैष्यते स्वाहा स्वाहा तमैष्यते तमैष्यते स्वाहा तमयते तमयते स्वाहा तमैष्यते तमैष्यते स्वाहा तमयते स्वाहा तमयते तमयते स्वाहा स्वाहा तमयते स्वाहा स्वाहा तमयते स्वाहा स्वाहा तमयते स्वाहा
स्तनयते स्वाहा स्वाहा स्तनयते स्तनयते स्वाहोग्रमुग्रज्ञ स्वाहा स्तनयते स्तनयते स्वाहोग्रम स्वाहोग्रमुग्रज्ञ स्वाहा स्वाहोग्रज्ञ स्तनयते स्तनयते उग्रज्ञ स्वाहा स्वाहोग्रज्ञ स्तनयते उग्रज्ञ स्तनयते स्तनयत उग्रमुग्रज्ञ स्तनयते स्वाहा स्वाहा स्तनयत उग्रमुग्रज्ञ स्तनयते स्वाहा स्तनयते स्वाहा स्वाहा स्तनयते स्तनयते स्वाहा वरिशिष्यते स्वाहा स्तनयते स्तनयते स्वाहा वरिशिष्यते स्वाहा वरिशिष्यते वरिशिष्यते स्वाहा स्वाहा वरिशिष्यते स्वाहा स्वाहा वरिशिष्यते स्वाहा वरिशिष्यते स्वाहा वरिशिष्यते स्वाहा स्वाहा वरिशिष्यते वरिशिष्यते स्वाहा वरिशिष्यते वरिशिष्यते स्वाहा वरिशिष्यते वरिशिष्यते स्वाहा वरिशिष्यते स्वाहा वरिशिष्यते वरिशिष्यते स्वाहा स्वाहा वरिशिष्यते स्वाहा स्वाहा वरिशिष्यते स्वाहा स्वाहा वरिशिष्यते स्वाहा वर्षते स्वाहा स्वाहा वर्षते वर्षते स्वाहा विवर्षते विवर्षते स्वाहा वर्षते वर्षते स्वाहा विवर्षते स्वाहा विवर्षते विवर्षते स्वाहा स्वाहा विवर्षते स्वाहा स्वाहा विवर्षते स्वाहा स्वाहा विवर्षते स्वाहा अभिवर्षते स्वाहा स्वाहा विवर्षते विवर्षते स्वाहा परिवर्षते 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 स्वाहा विवर्षते विवर्षते स्वाहा परिवर्षते పరివర్షతే స్వాహా స్వాహా పరివర్షతే పరివర్షతే స్వాహా సంవర్షతే సంవర్షతే స్వాహా పరివర్షతే పరివర్షతే స్వాహా సంవర్షతే పరివర్షతే పరివర్షతే స్వాహా సంవర్షతే సంవర్షతే స్వాహా స్వాహా సంవర్షతే స్వాహా స్వాహా సంవర్షతే స్వాహా స్వాహా సంవర్షతే స్వాహా సంవర్షతే స్వాహా స్వాహా సంవర్షతే సంవర్షతే స్వాహా నువర్షతే నువర్షతే స్వాహా సంవర్షతే సంవర్షతే స్వాహా నువర్షతే సంవర్షతయిది సంవర్షతే స్వాహా నువర్షతే నువర్షతే స్వాహా స్వాహా నువర్షతే స్వాహా స్వాహా నువర్షతే స్వాహా స్వాహా నువర్షతే స్వాహా అనువర్షతే స్వాహా స్వాహా నువర్షతే నువర్షతే స్వాహా శ్రీకాయుష్యతే శ్రీకాయుష్యతే స్వాహా నువర్షతే నువర్షతే స్వాహా శ్రీకాయుష్యతే అనువర్షదయిత్యమో వర్షతే స్వాహా శ్రీకాయుష్యతే శ్రీకాయుష్యతే స్వాహా స్వాహా శ్రీకాయుష్యతే స్వాహా స్వాహా శ్రీకాయుష్యతే స్వాహా స్వాహా శ్రీకాయుష్యతే స్వాహా శ్రీకాయుష్యతే స్వాహా స్వాహా శ్రీకాయుష్యతే శ్రీకాయుష్యతే స్వాహా శ్రీకాయతే శ్రీకాయతే స్వాహా శ్రీకాయుష్యతే శ్రీకాయుష్యతే స్వాహా శ్రీకాయతే స్వాహా శ్రీకాయతే శ్రీకాయతే స్వాహా స్వాహా శ్రీకాయతే స్వాహా స్వాహా శ్రీకాయతే స్వాహా స్వాహా శ్రీకాయతే స్వాహా శ్రీకాయతే స్వాహా స్వాహా శ్రీకాయతే శ్రీకాయతే స్వాహా శ్రీకాయ శ్రీకాయ స్వాహా శ్రీకాయతే శ్రీకాయతే స్వాహా శ్రీకాయ శ్రీకాయతయుతి శ్రీకాయతే స్వాహా శ్రీకాయ శ్రీకాయ స్వాహా స్వాహా శ్రీకాయ స్వాహా స్వాహా శ్రీకాయ స్వాహా స్వాహా శ్రీకాయ స్వాహా శ్రీకాయ స్వాహా స్వాహా శ్రీకాయ శ్రీకాయ స్వాహా ప్రోషిష్యతే ప్రోషిష్యతే స్వాహా శ్రీకాయ శ్రీకాయ స్వాహా ప్రోషిష్యతే స్వాహా ప్రోషిష్యతే ప్రోషిష్యతే స్వాహా స్వాహా ప్రోషిష్యతే స్వాహా స్వాహా ప్రోషిష్యతే స్వాహా స్వాహా ప్రోషిష్యతే స్వాహా ప్రోషిష్యతే స్వాహా స్వాహా ప్రోషిష్యతే ప్రోషిష్యతే స్వాహా పృష్టతే పృష్టతే స్వాహా ప్రోషిష్యతే ప్రోషిష్యతే స్వాహా పృష్టతే స్వాహా పృష్టతే పృష్టతే స్వాహా స్వాహా పృష్టతే స్వాహా స్వాహా పృష్టతే స్వాహా స్వాహా పృష్టతే స్వాహా పృష్టతే స్వాహా స్వాహా
पृष्ठते पृष्ठते स्वाहा परिपृष्ठते परिपृष्ठते स्वाहा पृष्ठते पृष्ठते स्वाहा परिपृष्ठते स्वाहा परिपृष्ठते परिपृष्ठते स्वाहा स्वाहा परिपृष्ठते स्वाहा स्वाहा परिपृष्ठते स्वाहा स्वाहा परिपृष्ठते स्वाहा परिपृष्ठते स्वाहा स्वाहा परिपृष्ठते परिपृष्ठते स्वाहा ग्रहीष्यत उद्ग्रहीष्यते स्वाहा परिपृष्ठते परिपृष्ठते स्वाहा ग्रहीष्यते परिपृष्ठत इति परिपृष्ठते स्वाहोद्ग्रहीष्यत उद्ग्रहीष्यते स्वाहा स्वाहोद्ग्रहीष्यते स्वाहा स्वाहोद्ग्रहीष्यते स्वाहा स्वाहोद्ग्रहीष्यते स्वाहा उद्ग्रहीष्यते स्वाहा स्वाहोद्ग्रहीष्यत उद्ग्रहीष्यते स्वाहोद्गृह्णत उद्गृह्णते स्वाहोद्ग्रहीष्यत उद्ग्रहीष्यते स्वाहोद्गृह्णते उद्ग्रहीष्यत उद्गृह्णते स्वाहा स्वाहोद्गृह्णते स्वाहा स्वाहोद्गृह्णते स्वाहा स्वाहोद्गृह्णते स्वाहा उद्गृह्णते स्वाहा स्वाहोद्गृह्णत उद्गृह्णते स्वाहोद्गृहीताय गृहीताय स्वाहोद्गृह्णत उद्गृह्णते स्वाहोद्गृहीताय उद्गृह्णत इत्युक्ते गृह्णते स्वाहोद्गृहीताय गृहीताय स्वाहा स्वाहोद्गृहीताय स्वाहा स्वाहोद्गृहीताय स्वाहा स्वाहोद्गृहीताय स्वाहा उद्गृहीताः स्वाहा स्वाहोद्गृहीताय गृहीताय स्वाहा विप्लोष्यते विप्लोष्यते स्वाहोद्गृहीताय गृहीताय स्वाहा विप्लोष्यते स्वाहा विप्लोष्यते विप्लोष्यते स्वाहा स्वाहा विप्लोष्यते स्वाहा स्वाहा विप्लोष्यते स्वाहा स्वाहा विप्लोष्यते स्वाहा विप्लोष्यते स्वाहा स्वाहा विप्लोष्यते विप्लोष्यते स्वाहा विप्लवमानाय विप्लवमानाय स्वाहा विप्लोष्यते विप्लोष्यते स्वाहा विप्लवमानाय विप्लोष्यत इति विप्लोष्यते स्वाहा विप्लवमानाय विप्लवमानाय स्वाहा स्वाहा विप्लवमानाय स्वाहा स्वाहा विप्लवमानाय स्वाहा स्वाहा विप्लवमानाय स्वाहा विप्लवमानाय स्वाहा स्वाहा विप्लवमानाय विप्लवमानाय स्वाहा विप्लुताय विप्लुताय स्वाहा विप्लवमानाय विप्लवमानाय स्वाहा विप्लुताय विप्लवमानायेति विप्लवमानाय स्वाहा विप्लुताय विप्लुताय स्वाहा स्वाहा विप्लुताय स्वाहा स्वाहा विप्लुताय स्वाहा स्वाहा विप्लुताय स्वाहा विप्लुताय स्वाहा स्वाहा विप्लुताय विप्लुताय स्वाहा दप्स्यत आदप्स्यते स्वाहा विप्लुताय विप्लुताय स्वाहा दप्स्यते विप्लुतायेति विप्लुताय स्वाहा दप्स्यत आदप्स्यते स्वाहा स्वाहा दप्स्यते स्वाहा स्वाहा दप्स्यते स्वाहा स्वाहा दप्स्यते स्वाहा दक्षते स्वाहा स्वाहा दक्षत आरक्षते स्वाहा तपत आतपते स्वाहा दक्षत आरक्षते स्वाहा तपते आदक्ष्यत इत्यादप्स्यते स्वाहा तपत आतपते स्वाहा स्वाहा तपते स्वाहा स्वाहा तपते स्वाहा स्वाहा तपते स्वाहा आतपते स्वाहा स्वाहा तपत आतपते स्वाहोग्रमुग्रज्ञ स्वाहा तपत आतपते स्वाहोग्रम् आतपते स्वाहोग्रमुग्रज्ञ स्वाहा स्वाहोग्रमातपत आतपत उग्रज्ञ स्वाहा स्वाहोग्रमातपते उग्रमातपत आतपत उग्रमुग्रमातपते स्वाहा स्वाहा तपत उग्रमुग्रमातपते स्वाहा आतपते स्वाहा स्वाहा तपद आतपते स्वाहर्घ्यर्घ्य स्वाहा तपद आतपते स्वाहर्घ्यः आतपदैत्वातपदे स्वाहर्घ्यर्घ्य स्वाहा स्वाहर्घ्य स्वाहा स्वाहर्घ्य स्वाहा स्वाहर्घ्य स्वाहा ऋभ्य स्वाहा स्वाहर्घ्य ऋभ्य स्वाहा युजुर्भ्यो युजुर्भ्य स्वाहर्घ्य ऋभ्य स्वाहा युजुर्भ्यः ऋभ्ययित्रगर्भ्यः स्वाहा युजुर्भ्यो युजुर्भ्य स्वाहा स्वाहा युजुर्भ्य स्वाहा स्वाहा युजुर्भ्य स्वाहा स्वाहा युजुर्भ्य स्वाहा
यजुर्भ्य स्वाहा स्वाहा यजुर्भ्य यजुर्भ्य स्वाहा सामभ्य सामभ्य स्वाहा यजुर्भ्य यजुर्भ्य स्वाहा सामभ्यः यजुर्भ्यः स्वाहा सामभ्य सामभ्य स्वाहा स्वाहा सामभ्य स्वाहा स्वाहा सामभ्य स्वाहा स्वाहा सामभ्य स्वाहा सामभ्य स्वाहा स्वाहा सामभ्य सामभ्य स्वाहा अङ्गिरोभ्यो अङ्गिरोभ्य स्वाहा सामभ्य सामभ्य स्वाहा अङ्गिरोभ्यः सामभ्य अङ्गिरोभ्य स्वाहा स्वाहाङ्गिरोभ्य स्वाहा स्वाहाङ्गिरोभ्य स्वाहा स्वाहाङ्गिरोभ्य स्वाहा अङ्गिरोभ्य स्वाहा स्वाहाङ्गिरोभ्यो अङ्गिरोभ्य स्वाहा वेदेभ्यो वेदेभ्य स्वाहाङ्गिरोभ्यो अङ्गिरोभ्य स्वाहा वेदेभ्यः अङ्गिरोभ्यैत्यङ्गिरः स्वाहा वेदेभ्यो वेदेभ्य स्वाहा स्वाहा वेदेभ्य स्वाहा स्वाहा वेदेभ्य स्वाहा स्वाहा वेदेभ्य स्वाहा वेदेभ्य स्वाहा स्वाहा वेदेभ्यो वेदेभ्य स्वाहाभ्यो रहाभ्य स्वाहा वेदेभ्यो वेदेभ्य स्वाहाभ्यः स्वाहा गाथाभ्यो गाथाभ्य स्वाहा स्वाहा गाथाभ्य स्वाहा स्वाहा गाथाभ्य स्वाहा स्वाहा गाथाभ्य स्वाहाभ्य स्वाहा स्वाहा गाथाभ्यो गाथाभ्य स्वाहा नाराशुन्तीभ्यो नाराशुन्तीभ्य स्वाहा गाथाभ्यो गाथाभ्य स्वाहा नाराशुन्तीभ्यः स्वाहा नाराशकुंसेभ्यो नाराशकुंसेभ्य स्वाहा स्वाहा नाराशकुंसेभ्य स्वाहा स्वाहा नाराशकुंसेभ्य स्वाहा स्वाहा नाराशकुंसेभ्य स्वाहा नाराशकुंसेभ्य स्वाहा स्वाहा नाराशकुंसेभ्यो नाराशकुंसेभ्य स्वाहा हरिभ्यो हरिभ्य स्वाहा नाराशकुंसेभ्यो नाराशकुंसेभ्य स्वाहा हरिभ्यः स्वाहा रैभिभ्यो रैभिभ्य स्वाहा स्वाहा रैभिभ्य स्वाहा स्वाहा रैभिभ्य स्वाहा स्वाहा रैभिभ्य स्वाहा रैभिभ्य स्वाहा स्वाहा रैभिभ्य रैभिभ्य स्वाहा सर्वस्मै सर्वस्मै स्वाहा रैभिभ्य रैभिभ्य स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा सर्वस्मै सर्वस्मै स्वाहा स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा स्वाहा सर्वस्मै सर्वस्मै स्वाहा स्वाहेति स्वाहा हरिः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्मस्मै श्रीगुरवे नमः பிரம்மசூத்திரம் என்ற தலைப்பில் தெய்வத்தின் புறத்திலிருந்து இரண்டாவது பாகம் தினப்படி வாசிச்சுட்டு இருக்கோம் அதுல இருந்து பிரம்மசூத்திரம் என்ற தலைப்பு ஒவ்வொரு சித்தாந்தத்துக்கும் சூத்திரம் பாஷ்யம் வார்த்திகம் என்று மூன்று உண்டு என்று சொன்னேன் இப்போது நம் தேசத்தில் இருக்கப்பட்ட சங்கரர் ராமானுஜர் மத்வர் ஸ்ரீகண்டர் சைவ சம்பிரதாய ஆச்சாரியர் முதலியவர்களின் சித்தாந்தங்களுக்கெல்லாம் வேதாந்த மதங்கள் என்று பொதுப்பெயர் இந்த ஆச்சாரியர்கள் எல்லோருமே உபனிஷத்துகளில் தங்கள் தங்கள் கொள்கையைத்தான் சொல்லியிருக்கிறது என்று ஆதாரம் காட்டுகிறார்கள் உபனிஷத்துகளில் பத்தை முக்கியமாக எடுத்து அவற்றுக்கு தங்கள் சித்தாந்த பிரகாரம் பாஷ்யம் பண்ணியிருக்கிறார்கள் அதனால் வேதாந்த மதத்துக்கு சூத்திரத்தின் ஸ்தானத்தில் உபனிஷத்துகளையே சொல்ல வேண்டும் ஸ்தானத்தில் தான் வாஸ்தவமாக உபனிஷத்துக்கள் சூத்திர ரூபத்தில் இல்லை சூத்திரம் என்றால் எப்படி இருக்க வேண்டும் ரொம்ப ரொம்ப சுருக்கமாக தத்துவங்களை சொல்லிக்கொண்டே போக வேண்டும் மினிமம் அதம பட்சமான வார்த்தைகளில் சொல்லிக்கொண்டு போகிறதை
கபோரிசம் என்பதை என்பதைத்தான் சூத்திரம் என்பது. இந்த டெபினிஷன் படி உபனிஷத்துக்களை நேராக சூத்திரம் என்று சொல்ல முடியாது. ஆனாலும் வேதாந்த சம்பிரதாயங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் ஆதார நூலாக பேசிக் டெஸ்டாக ஒரு அசல் சூத்திர புஸ்தகமும் இருக்கிறது. அதுதான் பிரம்மசூத்திரம் என்பது. பிரம்மசூத்திரத்துக்கு ஒவ்வொரு சம்பிரதாயத்தை ஒட்டியும் பாஷ்யம் உண்டு. இந்த பிரம்மசூத்திரம் என்பது என்னவென்றால், உபனிஷத்துகளில் சொல்லியிருக்கிற தத்துவங்களின் சாரத்தை இரத்தினச் சுருக்கமாக சூத்திர ரூபத்தில் வியாச மகரிஷி எடுத்துச் சொல்லியிருப்பதுதான். பதரி என்னும் இலந்தை மரத்தடியில் இருந்ததால் வியாசருக்கு பாதராயணர் என்றும் ஒரு பெயர் உண்டு. அதனால் இதற்கு பாதராயண சூத்திரம் என்ற பெயரும் இருக்கிறது. ஜீவன் யார், அவன் வாழ்கிற ஜகத் என்பது என்ன, இதற்கெல்லாம் காரணமாக சத்திய தத்துவம் என்ன என்கிற மூன்று விஷயங்களை முக்கியமாக விசாரிக்கும் வேதாந்த சம்பிரதாயங்களுக்கெல்லாம் ஆதார நூலாக பிரம்மசூத்திரம் இருக்கிறது. ஆனால் அதுவும் வியாசரின் சொந்த அபிப்பிராயங்களை சொல்வதல்ல. ஏற்கனவே இருந்த வேதாந்த சாஸ்திரமான உபனிஷத்துகளின் அர்த்தத்தை விசாரித்து வியாசர் பண்ணினதுதான் அது. வேதத்தின் பிற்பகுதியில் வரும் உபனிஷத்தை ஆராய்வதால் உத்தர மீமாம்சை என்று அதற்கு பெயர். அதில் 555 சூத்திரங்கள் இருக்கின்றன. அந்த புஸ்தகம் 4 அத்தியாயங்களை பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது, அத்தியாயங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒவ்வொரு அத்தியாயமும் 4 பாகங்களாக இருக்கிறது. மொத்தம் எல்லாவற்றிலும் சேர்ந்து அதிகரணம் என்கிற சுமார் 291 செக்ஷன்கள் இருக்கின்றன. சந்நியாச லட்சியத்தை முடிவாக சொல்வதால் பிக்ஷு சூத்திரம் என்றும், சரீரத்துக்குள் இருக்கிற ஆத்மாவை பற்றி விசாரிப்பதால் சாரீரகம் என்றும் பிரம்மசூத்திரத்துக்கு பெயர்கள் உண்டு. சூத்திரம் என்றால் கயிறு என்று ஒரு அர்த்தம். மங்கள சூத்திரம் என்று பாலி கயிற்றை சொல்கிறோம் அல்லவா. இந்த அர்த்தத்தை வைத்து ஆச்சாரியால் தம்முடைய பாஷ்யத்தில் சிலேடையாக சொல்கிறார். வேதாந்த வாக்கிய குசும கிரதனார்த்தத்வாது சூத்ராணாம். வேதம் என்ற விருட்சத்தில் பூத்த உபனிஷத் புஷ்பங்கள் உதிரி உதிரியாக இருந்தால் நாம் எப்படி அதை மாலையாக போட்டுக்கொள்ள முடியும்? அதற்காக உபனிஷத் புஷ்பங்களையெல்லாம் ஒன்றாக தொடுத்து தருகிற கயிறாக இந்த பிரம்மசூத்திரம் இருக்கிறது என்று ஆச்சாரியால் சொல்கிறார். இன்றைக்கு இந்து மதம் என்ற பெயரில் உள்ள எல்லா சம்பிரதாயங்களுக்கும் சித்தாந்தங்களுக்கும் ஆதாரமான சூத்திரம் பிரம்மசூத்திரம் என்றால் அந்த பிரம்மசூத்திரத்திற்கு ஆதாரமாக இருப்பது உபனிஷத்துக்கள் தான். இதனால்தான் வைதிக மதங்களை எல்லாமே உபனிஷத மதங்கள் என்று சொல்கிற வழக்கமும் இருக்கிறது. வேதாந்த என்று மேல்நாட்டு அறிவாளிகள் கொண்டாடுவது உபனிஷத்துகளைத்தான். இகலோகத்தின் அல்ப விஷயங்களை விட்டு கொஞ்சம் வைராக்கியமாக ஞானமாக யாராவது ஏதாவது சொன்னாலும் என்னடா வேதாந்தம் பேசுகிறாய் என்றுதான் பொது வழக்கில் கேட்கிறோம். அப்படியாக ஞானத்தை பூரணமாக வைத்து இந்த உபனிஷத்துக்கள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன. வேதத்தின் முடிவு என்கிற மாதிரியே வேதத்தை ஒரு புருஷனாக சொன்னால் அந்த வேத புருஷனுக்கு சிரசாக இருப்பது உபனிஷத்துக்களே என்ற அர்த்தத்தில் அதற்கு ஸ்ருதி சிரஸ் என்று பெயர் இருக்கிறது. ஸ்ருதி முடி என்றும் மறைமுடி என்றும் தமிழில் பெயர் இருக்கிறது. வேதமும் வேதாந்தமும் முரணானவையா என்ற தலைப்பில் வேதத்தின் கர்மகாண்டத்தில் என்ன காரியங்களை எல்லாம் சொல்லி இருக்கிறதோ அதையெல்லாம் இல்லாமல் பண்ணுவதாக இருக்கிறது. அதே வேதத்தின் ஞானகாண்டமான உபனிஷத்து கர்மகாண்டத்தில் தேவதைகளை உபாசிக்க சொல்லி அதற்கு ஏகப்பட்ட வழிபாட்டு முறைகளை கொடுத்துவிட்டு இங்கே உபனிஷத்தில் அதே வேதம் தேவபூதை பண்ணுகிறவன் அசடு, அவன் பசுவுக்கு சமானம் என்று கேலி பண்ணுகிறது.
இது எப்படி ரொம்பவும் விசித்திரமாக இருக்கிறது. ஒரே வேதத்தின் ஆரம்பத்தில் என்ன இருக்கிறதோ அதற்கு முழுக்க மாறாக அதன் முடிவு இருக்கிறது. ஒரு பக்கம் கர்மமயமாகவும் இன்னொரு பக்கம் ஞானமயமாகவும் வித்தியாசமாக இருக்கிறது. இந்த வித்தியாசத்தினால் வேதம் என்றாலே கர்மகாண்டம் என்றும், வேதாந்தம் என்றால் ஞான காண்டமாக உபனிஷத் என்றும் பிரித்து அர்த்தம் பண்ணிக்கொள்கிற அளவுக்கு ஆகியிருக்கிறது. வேதாந்தத்தை தான் கீதையில் பகவான் சொல்லியிருக்கிறார். அவரே அதே கீதையில் கர்மகாண்டமான வேதத்தை திட்டு திட்டு என்று திட்டுகிறார். புத்தரும் மகாவீரரும் தான் முதலில் வேதத்தை திட்டினார்கள் என்று பொதுவில் சொல்கிறார்கள். இது சரியில்லை. சாட்சாத் கிருஷ்ண பரமாத்மா தான் இவர்களுக்கு முந்தையே வேதத்தை நன்றாக வைத்திருக்கிறார். ஓரிடத்தில் வேதமெல்லாம் சத்வ ரஜோ தமோ குண சம்பந்தமானதுதான், இந்த குணங்களையும் கடந்த நிலையை நீ அடைய வேண்டும் என்று அர்ஜுனனிடம் சொல்கிறார். காமாத்மாக்களாக ஸ்வர்க்கத்தில் ஆசை வைத்து போகத்தையும் ஐஸ்வர்யத்தையுமே நினைத்துக் கொண்டு இந்த வேத கர்மடர்கள் மறுபடி ஜன்மா எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இவர்களுக்கு சமாதியில் உண்டாகிற நிச்சயமான புத்தி ஏற்படாது என்றெல்லாம் நிந்திக்கிறார். இன்னொரு இடத்தில் வேத யஜ்ஞ அத்தியனங்களால் நான் தக்கவனில்லை என்கிறார். வேதம்தான் சகல தர்மத்துக்கும் மூலம் என்று இத்தனை நேரம் நாம் நீல நெடுக அலந்துவிட்டு இப்போது இப்படி சொன்னால் முரணாக இருக்கும். தீர விசாரித்து பார்த்தால் இதிலே முரணாக ஒன்றும் இல்லை என்று தெரியும். சாதாரணமாக நாம் இருக்கப்பட்ட நிலையில் முக்குணங்களையும் கடந்து மனசை ஆடாமல் அசையாமல் நிறுத்தி தியானம் பண்ணுவது, உபனிஷத்தில் சொல்கிற ஆத்மாவின் சத்திய நிலையை தெரிந்து கொள்வது என்றால் துளி கூட முடியாமல் தானே இருக்கிறது. அந்த நிலையில் நம்மை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொண்டு சேர்ப்பதற்காகத்தான் வேத கர்மானுஷ்டானங்கள் யாவும் இருக்கின்றன. லோகம் என்பது நிஜம் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிற வரையில் இதிலே நாம் க்ஷேமமாக இருப்பதற்காக தேவதைகளை உபாசிக்கிறோம். லோகம் நிஜம் என்று நினைத்ததால் அந்த லோகத்துக்கும் தேவர்களால் க்ஷேமத்தை உண்டு பண்ணுகிறோம். இந்த லோகம் மாதிரியே தேவலோகம் நிஜம், தேவதைகளும் நிஜம் என்று வைத்துக் கொண்டு அந்த தேவதைகளுக்கு உபகாரம் பண்ணி அவர்களிடமிருந்து பிரத்யுபகாரமாக பல நன்மைகளை பெறுகிறோம். இந்த லோகத்தில் சந்தோஷமாக வாழ்க்கை நடத்துவது போலவே தேவலோகத்துக்கு போய் சொர்க்க போகங்களை அனுபவிக்க ஆசைப்படுகிறோம். இதெல்லாம் சரிதான். ஆனால் இதோடேயே நின்றுவிட்டால் முக்கியமான லட்சியத்தை கோட்டையிட்டதாக அல்லவா ஆகிவிடுகிறது. வாஸ்தவத்தில் நாம் பரமாத்மாவை சாஸ்வதமாக சேர்ந்திருப்பதுதானே லட்சியம். அதை விட்டுவிட்டு மற்றவற்றை மட்டும் பிடித்துக் கொண்டிருந்தால் அது அசட்டுத்தனம்தானே. நாம் இருக்கிற நிலையில் லோகத்தை பொய் என்று நினைத்துக் கொள்ள முடியவில்லை என்பதால் சரி மெய் என்றுதான் வைத்துக்கொள் என்று சொல்லி லோகக்ஷேமத்துக்கான கர்மாக்களை வேதம் கொடுத்திருக்கிறது. நாம் உள்ள நிலையில் அரூபமான ஒரே பரமாத்மாவை அபேதமாக உபாசிக்க முடியவில்லை என்பதால் அநேகம் தேவதைகளின் உபாசனைகளை அது கொடுத்திருக்கிறது. ஆனால் இப்படி கர்மாவும் உபாசனையும் பண்ணும் போதே லோகமெல்லாம் அடிபட்டு போய் கர்மாவும் நின்று விடுகிற ஞான நிலை நமக்கு வர வேண்டும். பல தேவதைகளை உபாசிப்பதாக இல்லாமல் பரமாத்மாவுக்கு அந்நியமாக நான் என்றே ஒன்று இல்லை என்று கரைகிற நிலை வர வேண்டும். அதற்கு ஆரம்பப்படிகளாக சித்தசுத்தியும் மனசின் ஐகாக்ரியமும் ஒருமுனைப்பாவம் ஏற்படுவதற்காகவே இந்த கர்மாக்களையும் உபாசனைகளையும் வேதம் கொடுத்திருக்கிறது என்ற அறிவோடு பண்ண வேண்டும். அப்படி இல்லாமல் வெறுமே லௌகிகமான க்ஷேமத்தை உண்டாக்கிக் கொள்வது, தேவதைகளிடம் கொடுக்கல் வாங்கல் வியாபாரம் மாதிரி யஜ்ஞம் கொடுத்து நன்மை பெறுவது என்று இதோடேயே நிறுத்திக் கொண்டால் சத்திய சாட்சா்காரம் கிடைக்கவே கிடைக்காது. தேவலோகத்துக்கு போனாலும் ஆத்மசுகம் என்ற சத்திய சாட்சா்கார ஆனந்தம்
அதில் கிடைக்காது. மேலும் தேவலோக வாசமும் நம் புண்ணியமும் புண்ணியம் தீர்ந்தவுடன் முடிந்து நாம் மறுபடி பூலோகத்தில் கர்ப்பவாசம் பண்ணுவதற்காக திரும்பித்தானாக வேண்டும். ஒரு அளவுக்கு நம் இப்போதைய மனப்பான்மைக்கு விட்டு கொடுத்தும் நம்மை இன்றுள்ள நிலையிலிருந்தே சிறுக சிறுக கிராஜுவல் ஆக பக்குவப்படுத்தவுமே கர்மாவும் உபாசனையும் வேதத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஆனால் இதோடேயே நின்று விடுவேன், மேலே போக மாட்டேன் என்றால் அது தப்பு. முதலில் வேத கர்மானுஷ்டானங்களை பண்ண மாட்டேன் என்பதும் தப்பு. அப்புறம் அதை ஒரு நாளும் விடமாட்டேன் என்பதும் தப்பு. இந்த காலத்தில் எல்லோரும் முதலிலேயே யஜ்ஞமாவது அத்யனமாவது இதெல்லாம் வேண்டாம், வேண்டவே வேண்டாம், நேரே உபனிஷத்துக்கு போகிறோம் என்கிறார்கள். இதனால் புத்தி பூர்வமாக இன்டலெக்சுவல் உபனிஷத்தை பற்றி நிறைய பேசுகிற ஸ்திதிதான் வந்திருக்கிறதே தவிர அனுபவத்தில் சாந்தர்களாக வைராக்கியசாலிகளாக ஆத்ம ஞானிகளாக யாரும் வரக்காணோம். ஆரம்ப காலத்திலேயே அதற்கான சாதனைகளான கர்மானுஷ்டானங்களை விட்டுவிட்டதன் கோளாறுதான் இதற்கு காரணம். இது ஒரு விதத்தில் தப்பு என்றால் ஞானத்துக்கே வரமாட்டேன் என்று கர்மடர்களாகவே நின்று விடுவது இன்னொரு விதத்தில் தப்பாக இருக்கிறது. முதல் கிளாஸ் இரண்டாம் கிளாஸ் என்று ஒவ்வொன்றாக படித்துதான் பிஏவுக்கு போக வேண்டும். எடுத்தவுடனேயே பிஏ போவேன் என்றாலும் தப்பு. ஆனால் கிளாஸ்களிலேயே ஃபெயிலாகிக் கொண்டு அப்படியே இருப்பேன், மேல் கிளாஸுக்கு போக மாட்டேன் என்றால் அதுவும் தப்பு. அதிகாலத்தில் ஆதிகாலத்தில் இந்திய கோஷ்டி நிறைய இருந்தது. இப்போது முன்னால் சொன்ன மாதிரியானவர்கள் அதிகம் இருக்கிறார்கள். கிருஷ்ண பகவான் காலத்தில் கர்மானுஷ்டானத்தை விட்டு ஞானத்துக்கு வராதவர்கள் அதிகம் இருந்தார்கள். அவர்களைத்தான் அவர் திட்டினார். வேதத்தை அவர் திட்டியதாக தோன்றுவதெல்லாம் வாஸ்தவத்தில் வேத தாத்பரியத்தை சரியாக புரிந்து கொள்ளாமல் வேத கர்மாவோடு நின்றுவிட்டவர்களை குறித்து அவர் திட்டியதுதான். உள்ளபடி வேதத்தை அவர் ஒரு நாளும் திட்டமாட்டார். வேதங்களை ரட்சித்துக் கொடுப்பதற்காகவே தான் அவர் திரும்ப திரும்ப அவதாரம் தன்னினது. ஹரஹர நம பார்வதி பதஜே ஹரஹர மகா வயம் தூர்வா மகா தூபமாகிராபயாமி புத்தீஸ்மதாக வேதோபக்தன் நிரதிம்மமா அசோகஸ்தமஸ்யவாவஹ ஜீவனஞ்ச